दुर्गाचार्य जी ने उनको देखा और उनकी समाधि लगी। सब लोग घबराए, खोजा सकल जहां में तो पाया तेरा पता नहीं, अब पता मिला है तेरा तो मेरा पता नहीं। जब तक उसे प्राप्त नहीं किया उसे बहुत खोजा, और जब उसे प्राप्त किया तो ऐसी समाधि में गए कि अवाक रह। ये नारायण के पास जब जाया जाता है, जब नारायण को देखा जाता है, तो चित्त बड़ा विचित्र सा हो जाता है। भगवान की जब कुर कृपा होती है और उनके दर्शन मिलते हैं, और जिन भक्तों को ऐसे दर्शन मिले हैं उन्होंने फिर नारायण से दर्शन के अलावा कुछ मांगा नहीं। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राती, कि सब छोड़ दूं मैं, सब मेरे हाथ से निकल जाए, सब मुझसे छूट जाए और बस तेरा कीर्तन करता रहूं, तेरा भजन करता रहूं, तेरा स्मरण करता रहूं, तेरा निवेदन करता रहूं, तेरा श्रवण करता रहूं, तेरा वंदन करता रहूं, इसके अलावा मेरे हाथ में कुछ बचे ना। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। भागवत, लेकिन वहां भगवान को कोई मान नहीं रहा है। और आज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय ब्रज के कृषक अपने गौओं को लेके, अपने बैलों को लेके उनके चारण के लिए वन की ओर जा रहे हैं, और जो भोर का सूर्य की प्रथम किरणों का जब धरती से स्पर्श होता है, उस समय जो गौओं के जाने से जो धूली उड़ रही है और वो धूली उड़ के गोपांगनाओं के चेहरे पर लग रही है, तो चेहरे पे जो रोए हैं और वो रोहों पे जाके वो गौ धूली जम रही है, बैठ रही है, और उधर जब सूर्य की किरणें आई और उनके कपोलों से टकराई तो चेहरे एकदम से जागृत हो गए। कोई पूछे ये दिन का जो आठ पहर है, प्रातः है, मध्यान है, संध्या है, रात्रि है, इसमें सबसे अच्छा क्या है, तो जिसे ऋषि मुनि महापुरुषों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा है, जो अमृतई बेला है, जहां प्रकृति आपके लिए स्वयं अमृत निकालती है। यद्यपि रात्रि भी बड़ी महत्वपूर्ण है, रात के बिना दिन नहीं बनेगा, संध्या भी बड़ी मंगलकारी है, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त है, जो स्पेशल आपके लिए विशेष खोज के बताया गया है कि तू इसमें कुछ समय देना, चाहे आप कमरे में बैठे हैं, चाहे आप फ्लाइट में बैठे हैं, कहीं भी हैं, इसमें जाग जाना, ये अमृत वेला है, तेरी आयु बढ़ाएगी, तुझे जागृत करेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सूर्य उदय से पहले का 2 घंटा 24 मिनट का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जिसे ब्राह्मी बेला बोला गया है, वो सारा आप पान करें, लेकिन आधा घंटा उसमें से निकालें। जीवन अद्भुत दिशा में चलने लगेगा। अब ये आपको देखना है कि वो जो 2 घंटा 24 मिनट का समय है वो किसको समर्पित है। रजाई की गर्मी को समर्पित है, कम्बल की गर्मी को समर्पित है, या स्वयं की जागृति के लिए आपने उसमें जागरण कर लिया, और अपने स्वास्थ्य की जागृति के लिए आप उसमें आगे बढ़ गए। लेकिन जो जल्दी सोएगा नहीं वो जल्दी उठ नहीं पाएगा। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। यदि जल्दी उठना है तो जल्दी सोना पड़ेगा, और यदि तो आप अपने साथ ऐसा कर रहे हैं कि ये बेला आपके हाथ से बार बार निकल रही है, तो आप अपने साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ बड़ा उच्च कोटि का खिलवाड़ कर रहे हैं।
आज यशोदा मैया दही चला रही हैं। अब ददी मथत गोप की रानी उत्तम चीर पहर दक्षिण को। आप सूरदास की समझ को तो देखिए, अंधे हैं लेकिन उत्तम चीर पहर दक्षिण को। उत्तम चीर कहा है और दक्षिण का मतलब कि रेशम की धोती मैया ने पहन रखी है। आप उनकी सोच तो देखिए भैया, ये कृष्ण जो है सूर की आंखें हैं, द्रौपदी की लज्जा भी है। उत्तम चीर पहर दक्षिण को। इतनी देर में भगवान घुटमुन चलते हुए, भगवान यशोदा मैया जिस घट में मंथन कर रही हैं दही का, वहां आ गए और हाथ करने लगे। और हाथ जब आगे बढ़ाया और कैसा तो सुंदर भगवान का दृश्य होगा, गोल मटोल नारायण छोटे से, और घुटमुल चलते हुए वहां आ गए। पैर में पैजनियां बंधी है, और मैया ने उनके हाथ में थोड़ी सी रोटी और माखन दे दियो, और माखन लेके वो बाहर निकले आंगन में, तो कौआ उनके हाथ से माखन और रोटी लेके चला गया। और जैसे ही भगवान एक खंभ से खड़े हुए और फिर गिर गए, इतने में तो वहां इंद्राणी ब्रह्माणी रमा चली आई। इंद्राणी और ब्रह्माणी ने भगवान की उंगलियों से हाथ पकड़ लिए और रमा ताली बजा के कह रही है कि आगे आओ। तो भगवान वहां पे जो है चल रहे हैं आगे। तो चंद्र सखी ने बड़ी सुंदर भगवान की झांकी लिखी है, कनक की पैजनिया बाजे रे, की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, कनक की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, प्यारे की पैजनिया बाजे रे, प्यारे की पैजनिया बाजे रे। को चलन सिखावे, उंगली पकड़ मैया चलनो सिखावे, उंगली पकड़ मैया चलनो सिखावे, चलनो सिखावे मैया चलनो सिखावे, चलनो सिखावे मैया चलनो सिखावे।